सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग कर्मा बिलीवर। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए एक और नया रिव्यू वीडियो एक ऐसी कार का जो कि अपने सेगमेंट यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है विद अप्रॉक्स 7.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। और वो कार है न्यू ब्रीजा 2022। आज हम बात करेंगे क्या इस गाड़ी में नया आपको देखने को मिलता है, कैसे ये पुरानी ब्रीजा से बेहतर है, क्या क्या नए सेफ्टी फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, कितनी कीमत में आती है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की, तो आपको पुरानी ब्रीजा जैसे डायमेंशंस ही देखने को मिलेंगे बिकॉज जो प्लेटफॉर्म गाड़ी का यूज़ किया गया है वो पुराना वाला ही है। और जो सबसे पहली चीज़ अगर इस गाड़ी में आप नोटिस करोगे तो वो इसकी क्लैडिंग जो कि पुरानी ब्रीजा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इस गाड़ी को एक रगड लुक देती है और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। अगर बात करें टायर की तो यहाँ पे आपको मिलता है 16 इंच का टायर विद 16 इंच अलॉय जो कि डायमंड कट में आपको देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार आपको देखने को मिलेगा क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसका नया ग्रिल जो इस गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और बीच में आपको मिलेगी मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग जो कि काफ़ी सही लग रही है देखने में। अगर बात करें हेडलाइट्स की तो यहाँ पर मिलती है आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स विद फ्लोटिंग DRLs और पार्किंग लाइट्स भी इस बार आपको यहाँ पर LED दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन लुक देती है। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर इस बार आपको फॉग लैम्प भी LED में दी गई है, मतलब ये कमाल की चीज़ मारुति ने कर दी है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपको मिलती है ये क्लैडिंग जो इस गाड़ी को कहीं ना कहीं बहुत ही स्पोर्टी और रगड लुक देने का काम कर रही है और नीचे आपको स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल की जो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की लाइट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे LED टेल लैंप्स जो कि डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है। अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ आपको मिलती है मारुति सुजुकी की और ब्रीजा की ब्रांडिंग। और इस बार जो ब्रीजा के फॉन्ट हैं वो भी आपको नया देखने को मिलेंगे जो कि इस गाड़ी को कहीं ना कहीं एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लैडिंग और स्किड प्लेट भी देखने को मिलेगी जो गाड़ी को एक रगड लुक और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक नया फीचर ऐड हुआ है स्मार्ट हाइब्रिड का जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी इसका बूट स्पेस देख लेते हैं कि इसमें गाड़ी में बूट स्पेस आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट स्पेस आपको मिलता है 328 लीटर का जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे साइड में भी स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान अपना रख सकते हैं। और आप पीछे आपको एक लाइट भी मिल जाती है, अगर नाइट में अगर सामान वगैरह आप कुछ निकाल रहे हैं तो आप लाइट के थ्रू इजीली उसको निकाल सकते हैं। इस गाड़ी के टॉप टू वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा डुअल कलर टोन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पीछे के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ आपको फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा और पीछे आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना भी इस बार यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी सही लगता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो कि कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी आपकी मदद करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 103 bhp की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आपको मिलता है 48 लीटर की कैपेसिटी के साथ इसका फ्यूल टैंक। और कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर का जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। सब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या आपको नया मिलता है, क्या क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो चलो गाड़ी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक HUD डिस्प्ले जो कि एक कमाल का फीचर है। मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको बार बार स्पीडोमीटर में देखने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ यहाँ पे HUD में दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आप अपनी स्पीड देख सकते हो, टाइम देख सकते हो, गियर वगैरह, फ्यूल वगैरह, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको HUD में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको 360 व्यू भी गाड़ी का देखने को मिलता है। मतलब ये कमाल का फीचर है, जब भी आप अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं तो आप अपनी गाड़ी की सराउंड वगैरह चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी मिलता है। साथ में मारुति सुजुकी देती है आपको सुजुकी कनेक्ट की सुविधा जिसमें आपको 40 प्लस फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो इस नई वाली ब्रीजा में आपको मिलती है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, मतलब ये कमाल की चीज है। पहले आप गाड़ी की स्टीयरिंग को सिर्फ ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते थे लेकिन अब आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल बैक पोजिशन में गाड़ी चलाते हैं तो आप अपनी स्टीयरिंग को पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में मिलेंगे दो एनालॉग
मीटर जिसमें एक आरपीएम के लिए, एक यहाँ पे स्पीड के लिए दिया हुआ है, नीचे फ्यूल के लिए भी एक छोटा सा इंडिकेटर दिया गया है, और बीच में मिल जाती है आपको एक एमआईडी डिस्प्ले जिसमें आपको टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप टेम्परेचर वगैरह, गाड़ी का जो एवरेज वगैरह, फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप वगैरह, वो सारा कुछ देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक और कमाल फीचर की। तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, मतलब ये कमाल की चीज है। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब रात में आप ड्राइव करते हो पीछे से जो हार्स लाइट आती है तो इसको ये ऑटोमेटिक कम कर देता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज है। अगर सेफ्टी की बात चली रही है तो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, और इस गाड़ी को इस बार मिली है 4-स्टार रेटिंग जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड की। तो काफी चेंज किया गया डैशबोर्ड के डिजाइन में, मतलब पुरानी ब्रीजा के कंपैरिजन में काफी लेआउट चेंज किया, और यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन। इस बार गाड़ी में ब्राउन को काफी यूज किया, यहाँ पे आप ब्राउन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सीट में भी एक लाइन ब्राउन देखने को मिलेगी। सो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर गाड़ी में स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स जो कि कूल ग्लव बॉक्स है, और यहाँ पे आप अपनी बॉटल वगैरह ठंडी रख सकते हैं, और अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे मिलता है आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखें तो आपको मिलता है कि यूएसबी चार्जिंग पॉइंट 12 वोल्ट का एक यहाँ पे सॉकेट, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपना कप वगैरह होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे अपना वॉलेट वगैरह डाल सकते हो, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलता है आपको आर्म रेस्ट, यानी जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो ये हाथ है इसको आराम मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप अपना वॉलेट वगैरह, कुछ कॉइन्स वगैरह, जो भी आप चीज़ है वो सामान थोड़ा बहुत यहाँ पे रख सकते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है। सो फाइनली मारुति ने इस बार अपनी गाड़ी में सनरूफ लॉन्च कर दिया है, मतलब ये कमाल की चीज़ मारुति ने की है। सो आपको ओपन करके दिखाता हूँ इस गाड़ी का सनरूफ, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इससे बाहर निकल के अपना आराम से सेल्फी वगैरह रील्स वगैरह बना सकते हैं, और जब आप रेन में चलते हैं तो जो ऊपर से पानी वगैरह पड़ता है इस गाड़ी पर तो वो बहुत ही शानदार लगता है। तो ये एक अच्छी चीज़ मारुति ने इस बार लॉन्च की है, और ये सनरूफ आपको देखने को मिलेगा जेड और जेड प्लस वेरियंट में। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बटन कंट्रोल्स की। तो आपको स्टीयरिंग पे लेके चलते हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक क्रूज कंट्रोल का बटन, मतलब ये गाड़ी में एक नया फीचर ऐड किया है। जब आप हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो आप अपनी एक स्पीड पे इसको क्रूज कर सकते हैं और अपनी ड्राइव को इंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं म्यूजिक के कंट्रोल्स, आप म्यूजिक अप डाउन कर सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकते हो, गाड़ी को सॉन्ग्स को म्यूट वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कॉल के बटन दिए गए हैं, आप कॉल डिसकनेक्ट कनेक्ट वगैरह यहाँ से आराम से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे बटन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक HUD का बटन मिल जाता है। अगर आप इसको पुश करके रखेंगे तो आपकी जो HUD है वो पॉपअप हो जाती है। और यहाँ पे एक और बटन दिया गया है, ये 360 व्यू कैमरा का है। अगर आप इसको पुश करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी में जो 360 व्यू है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको दिया गया है एक हिल होल्ड असिस्ट का बटन, यानी कि ये भी एक नया फीचर मारुति ने इस बार अपनी गाड़ी में ऐड किया है जो कि हिली एरियाज में काफ़ी काम आता है। जब आपकी गाड़ी चढ़ाई पे होती है तो आप इस बटन के साथ अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं और दोबारा आराम से उसको उठा सकते हैं। सो अब आ जाते हैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी में पीछे कितना आपको कंफर्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेरी जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट के हिसाब से है। सो आप देख लो मुझे इतना अच्छा खासा नी रूम यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप नीचे देखें तो लेग रूम भी काफ़ी आपको सही मिल जाता है। अगर पीछे के कम्फर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, एक इस साइड में देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। अगर बात करें पीछे की सीटिंग कैपेसिटी की तो मुझ जैसे लोग तो यहाँ पे 2 ही फिट हो पाएंगे कंफर्टेबली, लेकिन अगर मुझसे थोड़े से हल्के लोग होंगे तो यहाँ पे आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और बात करें नए फीचर्स की तो मारुति ने इस बार फाइनली रियर सीट पे भी यहाँ पे AC वेंट्स दे दिए हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत थी कि पीछे AC नहीं आता है, सो फाइनली यहाँ पे AC वेंट्स आ गए हैं। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक Type-C और Type-A USB चार्जिंग पोर्ट्स जो कि काफ़ी कन्वीनियंट होता है। जब आप पीछे बैठे तो चार्जिंग के लिए आपको बार बार आगे नहीं जाना पड़ता है। अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक हैंगिंग ये सपोर्ट जिसमें आप अपना कुछ भी हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैक सीट पे कुछ मैगजीन होल्डर वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान, मैगजीन वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी सही है। और वैसे भी जापानीज मतलब स्पेस निकालने के मामले में काफ़ी परफेक्ट होते हैं, मतलब मारुति ब्रीजा अपने सेगमेंट में सबसे स्पेशियस कार मानी जाती है। तो अब इस गाड़ी को चला के देखेंगे और देखते हैं कि जो इसका इंजन है उसमें कैसी पावर फील होती है, बिकॉज पिछले 3 साल से मैं ब्रीजा चला रहा हूँ तो कितना डिफरेंस समझ में आता है कंफर्ट के मामले में कैसी है। सो चलो गाड़ी थोड़ा सा चलाते हैं और सबसे पहले बांधते हैं अपनी सीट बेल्ट, बिकॉज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सो चलो अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। और ये जो गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं ये मैनुअल गियर के साथ आती है जिसमें आपको 5 गियर देखने को मिलेंगे। सो चलो अभी पहला गियर हमने लगा दिया है और गाड़ी को चला के देखते हैं। वो मतलब फर्स्ट
गियर में जब आप इस गाड़ी को मतलब उठाते हो तो आपको एक अलग पावर फील होती है, और कहीं ना कहीं जरूर मेरी जो पुरानी ब्रीजा है वो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती थी, इस बार आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है तो जरूर आपको पावर एक्स्ट्रा फील होगी। और कंफर्ट के मामले में तो ये गाड़ी मुझे पहले से ही काफ़ी पसंद है, मतलब जो इसकी सिटिंग पोजीशन है, जो स्टीयरिंग पोजीशन है, वो काफ़ी आपको कंफर्टेबल लगने वाला है। लॉन्ग ड्राइव पे आप बिल्कुल इंजॉय करेंगे, और मतलब बहुत ही मतलब सही पोजीशन पे मैं अभी इसको ड्राइव कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. तो गाड़ी के बारे में तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। गाड़ी तो इतनी अच्छी है लेकिन ये आती कितनी कीमत में है? तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो रेंज करती है 8 लाख से लेके 14 लाख तक के बीच में। तो जो भी वेरिएंट आप देखना चाह रहे हैं वो शोरूम जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन में। तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं दिमाग से सोचने वाले बड़े और दिल से सोचने वाले जो बच्चे हैं उनको दोनों को पसंद आती है, क्योंकि ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ही रिलायबल, प्रैक्टिकल, ड्यूरेबल और इस बार सेफ भी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निनोल और आज हम ये गाड़ी उमा मोटर मथुरा की तरफ से लेके आए हैं। वैसे राहुल जी ने आपको इस गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, अगर उसके बाद में भी आपकी कोई क्वेरी है, गाड़ी देखने का मन बना रहे हैं या गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ शोरूम भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में कल सुबह 11 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए। Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?